हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आटा चकली। बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए चलते हैं हमारी किचन और देखते हैं कैसे बनती है चकली। चकली बनाने के लिए हम यहाँ आटे का यूज करेंगे। ये मैंने घर का नॉर्मल आटा लिया है जो आप रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले इस आटे को हम स्टीम देके चकली के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टीम देते हैं। स्टीम देने के लिए यहाँ हमने एक कपड़े का यूज किया है। इस कपड़े में अच्छी तरह आटे को पैक करके हम स्टीम देंगे। यहाँ हमने आटे की एक टाइट पोटली बना दी है। अब इस पोटली को हम स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए हम एक पॉट का यूज करेंगे। इसमें मैंने लगभग एक गिलास पानी डाला है। अब इसमें हम अपना स्टैंड रख के स्टीम देंगे आटे को। ये मैंने स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखा है ताकि आटे में पानी ना लगे और आटा हमारा गीला ना हो। अब इसे हम अच्छी तरह कवर कर देंगे। अब हम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे स्टीम होने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी पोटली को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आटा अच्छी तरह हमारा स्टीम हो चुका है। अब इस आटे को हम गरम में ही अलग करेंगे। अगर ये आटा ठंडा हो जाएगा तो पूरी तरह हार्ड हो जाएगा और हम इसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं इसकी सहायता से आटा को अच्छी तरह अलग कर लूंगी। हमने इस आटे को अलग कर लिया है। अब इसे हम चलनी की सहायता से छान लेंगे अच्छी तरह। हम इसको छानते जाएंगे और गुठलियों को थोड़ा प्रेस करते जाएंगे ताकि इसमें जो गठाने पड़ी हुई हैं वो भी खत्म हो जाए। ये सारी गठाने अच्छी तरह खत्म हो गई हैं और हमारे पास एक ऐसा पाउडर तैयार हो गया है। अब ये चकली के लिए परफेक्ट आटा बन गया है। इस आटे में अब हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ऑयल, नमक, हींग, सफेद तिल, कलौंजी, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। हम धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हम एक साथ पानी का यूज नहीं करेंगे, नहीं हमारा सारा डो सॉफ्ट हो जाएगा। हमें पूड़ी जैसा इसका डो लगाना है। ये मैंने पूड़ी जैसा डो लगा लिया है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मसल कर थोड़ा नरम करेंगे।
आटे को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मसल के मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब हम अपनी चकली बनाएंगे। चकली बनाने के लिए हम इस चकली मेकर का यूज करेंगे। इसमें हम चकली बनाने वाला साँचा यूज करेंगे। इस साँचे में हमने अच्छी तरह अंदर तेल लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हम अपना डो डाल के चकली तैयार करेंगे। अब इसमें हम अच्छी तरह डो डाल के पैक कर देंगे। इस सांचे की सहायता से हम प्रेस करते जाएंगे और अपनी चकली तैयार करते जाएंगे। हमें बस चकलियों को गोल गोल बनाना है, प्रेस करते जाना है और शेप देते जाना है। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चकली की साइज पे आपको क्या देना है। चकली बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, चकली बनाने के बाद लास्ट में हमें हल्का प्रेस करना है और सेंटर में हल्का प्रेस करना है, ताकि चकली हमारी तेल में जाने के बाद ना तो ओपन हो और ना ही टूटे। चकली बनाने के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, एकदम सटी हुई और बराबर चकली बनी हुई होनी चाहिए। इसी तरह हम सारी चकलियां बनाएंगे। ये मैंने चकलियां बना ली हैं, अब इसे हम फ्राई करेंगे। चकली को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यूज किया है। यहाँ सरसों का तेल या भी जो स्मेल वाला तेल होता है वो यूज नहीं करते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, हल्का सा टुकड़ा डालने के बाद ये तुरंत ऊपर आ गया है। हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करनी है। अगर हम ठंडे तेल में फ्राई करेंगे तो चकली पूरी तरह तेल में टूट जाएगी, और गरम तेल में फ्राई करेंगे तो चकली पूरी तरह जल जाएगी। तो हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। हमें चकली डालने के बाद तुरंत उसे नहीं पलटना है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है। 1 से 2 मिनट के बाद जब हल्की सी वो तेल में हार्ड हो जाएगी तो हम उसको पलटेंगे। चकली हल्की हल्की हार्ड हो गई है, अब इसको हम अच्छी तरह पलटेंगे। हमें हल्का गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। अब बीच बीच में पलटते जाएंगे। गैस हमें मीडियम में ही रखनी है, हाई फ्लेम में नहीं रखनी है। चकली हमारी हल्की गोल्डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये मैंने सारी चकलियों को फ्राई करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं चकली एकदम परफेक्ट बनी है, ना तो बीच से ओपन हुई है और ना ही कहीं टूटी है। ये रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाली नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।